नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपना YouTube चैनल पीयूष नॉलेज स्टूडियो में। दोस्तों, अगर आपने इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक का ऑनलाइन फॉर्म फिल किया है और उसके ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म में कोई भी त्रुटि या मिस्टेक हो गई है, तो कैसे उस एप्लीकेशन फॉर्म में आप करेक्शन कीजिएगा, यानी कैसे एडिट होगा हर एक डिटेल्स, उसकी जानकारी आज के इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा और इससे जुड़ी हर एक नोटिफिकेशन पाने के लिए हमारे चैनल को ज़रूर आप लोग सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि फ्यूचर में कोई भी इसका नोटिफिकेशन आए आने वाले समय में तो आपको तुरंत मिल सके। तो दोस्तों, अब हम लोग समझेंगे कि आखिर क्या इसका प्रोसेस रहने वाला है, किस डेट से करेक्शन होना शुरू होगा, क्या कोई फीस लगेगी या नहीं, या होगा करेक्शन भी या नहीं, उसकी हर एक जानकारी को हम समझते हैं इसके ऑफिशियल नोटिफिकेशन से। तो चलिए सबसे पहले इसके ऑफिशियल नोटिफिकेशन को देख लेते हैं। अगर आप सभी को इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन डाउनलोड करना है तो आप सभी हमारे टेलीग्राम ग्रुप से ज्वाइन हो जाइए, वहाँ पर इसका फुल नोटिफिकेशन मिल जाएगा पीडीएफ के तौर पे। उस लिंक पे जैसे ही आप लोग क्लिक कीजिएगा तो डाउनलोड हो जाएगा, फिर आप सभी इसके फुल नोटिफिकेशन को रीड कर सकते हैं, या आप इस वीडियो को पूरा देख लेते हैं तो आपको करेक्शन प्रोसेस समझ में आ जाएगी। तो चलिए आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक का ऑफिशियल जो डेस्क स्टॉप है वो ओपन हो रखा है, जिसमें हर एक डिटेल्स की जानकारी यहाँ पर दी गई है। अब इसी डिटेल्स में एक डेट दिया गया है, जो कि आपका एडिटिंग एप्लीकेशन डिटेल्स का डेट है, जो कि 31 अक्टूबर लास्ट डेट यहाँ बताया जा रहा है। तो दोस्तों, अब बात करते हैं कि आखिर शुरू कब से होगा, करेक्शन कैसे होगा, और कब से स्टार्ट हुआ है कि लास्ट डेट ही दे दिया है 31 अक्टूबर का। तो दोस्तों, जो भी कैंडिडेट का एप्लीकेशन फॉर्म में त्रुटि हुआ है, तो रजिस्ट्रेशन डेट से लेकर के एप्लीकेशन का लास्ट डेट तक वो अपने रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड को डालकर लॉगिन करके अपने हर एक डिटेल्स को एडिट कर सकते हैं, दोबारा से क्लियर डेटा करके न्यू डेटा को फिल कर सकते हैं। पर दोस्तों, वही कैंडिडेट इस प्रकार से एडिट कर सकते हैं जिनका पेमेंट नहीं हुआ, यानी जिनका फाइनल सबमिशन नहीं हुआ है। जो लोग फाइनल सबमिट नहीं किए हैं, पेमेंट यहाँ पर उनका बाकी है, वो लोग तो अपने एप्लीकेशन फॉर्म में आसानी के साथ सुधार कर ही पाएंगे इस रास्ते के दौरान। पर अब बात करते हैं, जो कैंडिडेट अगर पेमेंट कर चुके हैं, फाइनल सबमिट कर दिए हैं, उनका कैसे सुधार होगा, और क्या प्रूफ है कि ये जो रास्ता है, यानी जो मैं बताया हूँ प्रोसेस, वो सिर्फ जो लोग पेमेंट नहीं किए उन्हीं के लिए है। तो चलिए इसके ऑफिशियल नोटिफिकेशन को एक बार देख लेते हैं। तो दोस्तों, अब आप स्क्रीन के ऊपर देख सकते हैं कि जो एडवर्टाइजमेंट यानी नोटिफिकेशन है इस रिक्वायरमेंट का, वो ओपन हो रखा है, जो कि आप सभी देख सकते हैं। इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक लिखा गया है, अंडरटेकिंग ए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, यानी भारत सरकार के द्वारा ये भर्ती निकाली गई है, इसलिए दिया गया है। अब इम्पॉर्टेंट डेट यहाँ पर देख लीजिए आप लोग, अगर आप लोगों ने ऑफिशियल डेस्क स्टॉप पे नहीं देखा है तो यहाँ पर देख लीजिए, साफ तौर पर डेट को यहाँ पर बताया गया है, ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन इंक्लूडिंग एडिट मॉडिफिकेशन ऑफ एप्लीकेशन बाय कैंडिडेट। तो यहाँ तो एडिट और मॉडिफिकेशन डेट भी दे दिया गया है कि इस डेट के बीच आप यहाँ पर करेक्शन सुधार कर सकते हैं अपने एप्लीकेशन फॉर्म में। अब कैसे करना है उसकी जानकारी नीचे दी गई है विस्तार पूर्वक। दोस्तों, जैसा कि हम सभी ने करेक्शन डेट देख लिया, पर करेक्शन प्रोसेस उस वाले नोटिफिकेशन में नहीं बताया गया था कि आखिर कैसे करेक्शन होगा, उसके रिकॉर्डिंग एक और नोटिफिकेशन है, जो कि आपका सिर्फ और सिर्फ डिटेल्स गाइडलाइंस के बारे में जानकारी दी गई है। इस वाले नोटिफिकेशन में आपका जो ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म है उससे जुड़ी हर एक जानकारी को यहाँ बताया गया है कि आखिर क्या आपका गाइडलाइंस रहने वाला है, और किस प्रकार से अगर आप फोटो अपलोड करते हैं तो आपका वहां पर वेरीफाई हो जाएगा, अगर गलत तरीके से करते हैं तो आपका रिजेक्ट हो जाएगा। तो फोटो सिग्नेचर ये सब तो आपका करेक्शन हो जाएगा दोस्तों, पर यहां पर एक और बात दी गई है कि आपका जो फोटो का जो साइज रहने वाला है और जो सिग्नेचर रहने वाला है, वो आपका काफ़ी यहाँ पर महत्वपूर्ण रहने वाला है। ये दोनों की वजह से काफ़ी ज़्यादा फॉर्म रिजेक्ट देखने को मिलते हैं। पर नोटिफिकेशन में कहीं भी ये नहीं बताया गया है दोस्तों कि जो लोग फाइनल सबमिट कर दिए हैं या जिनका पेमेंट नहीं हुआ है वही करेक्शन करेंगे। तो आप लोग भी करेक्शन कर सकते हैं, जिनका पेमेंट हो गया है वो लोग भी करेक्शन उसी प्रकार करेंगे जैसा कि
जिनका पेमेंट नहीं हुआ है वो लोग कर रहे हैं। तो आप लोग सभी अपना रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड डालिए और एडिट का ऑप्शन जैसे ही आएगा उस पर आप लोग क्लिक करके दोबारा से हर एक डिटेल्स को क्लियर कर सकते हैं। पर कहीं भी नोटिफिकेशन में करेक्शन से प्रोसेस से जुड़ी जानकारी नहीं बताई गई है, सिर्फ और सिर्फ डेट दे दिया गया है दोस्तों। अन्यथा अगर आपका करेक्शन नहीं भी होता है, मान लीजिए जिनका पेमेंट हो गया है, फाइनल सबमिट हो गया है, उनका करेक्शन नहीं हो रहा है, तो उसके उनके लिए एक ज़रूरी यहाँ पर मैं एक जानकारी बता देता हूँ कि कैसे वो दूसरे प्रकार से अपने एप्लीकेशन फॉर्म में करेक्शन कर सकते हैं। ऐसे तो दोस्तों जिनका पेमेंट नहीं हुआ है वो तो करेक्शन कर ही सकते हैं प्रीव्यू करके, पर जिनका हो गया है वो लोग के लिए एक नया मैं यहाँ पर जानकारी या प्रोसेस बता देता हूँ कि कैसे उनको करेक्शन करना है। तो देख सकते हैं कि नोटिफिकेशन ओपन हो गया है। नोटिफिकेशन के नीचे जैसे ही आप लोग आइएगा दोस्तों, तो आपको एक ईमेल देखने को मिलेगा जो कि आपका हेल्प डेस्क का एक ईमेल है। उसी ईमेल पे आपको ईमेल करना होगा जिनका यहाँ पर पेमेंट हो गया है, फाइनल सबमिट हो गया है। यहाँ पर साफ तौर पे देख सकते हैं बताया गया है फॉर एनी क्वेरीज प्लीज राइट टू ईमेल आईडी। अगर आपका करेक्शन नहीं हो रहा है तो आप इस ईमेल पे ईमेल कर सकते हैं। मैं यहाँ जूम कर देता हूँ, आप सभी ईमेल को नोट डाउन कर लीजिएगा और इसी ईमेल पे आपको ईमेल करना है। आपने रजिस्ट्रेशन किया होगा तो रजिस्ट्रेशन नंबर, पासवर्ड, मोबाइल नंबर, एप्लीकेंट का नाम, फादर्स का नाम और जो भी आपका सब्जेक्ट हो वो आपको राइट करके लिख कर इसी वाले ईमेल पे आपको सेंड कर देना है। इससे आपका जो डिटेल्स फॉर्म है वो आपका रीओपन कर दिया जाएगा, जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो आपका रीओपन कर दिया जाएगा और फिर आप लॉगिन करके उसमें दोबारा से करेक्शन आप कर सकते हैं। जिनका पेमेंट हो गया उनके लिए मैं यहाँ बात कर रहा हूँ दोस्तों। तो इस प्रकार से एक ईमेल दिया गया जिससे आप सभी यहाँ पर सुधार कर सकते हैं। बाकी सुधार की कोई जानकारी इस ऑफिशियल नोटिफिकेशन में नहीं दी गई है सिवाय डेट के। एक डेट दे दिया गया है कि इस तिथि तक आपका सुधार होगा, उसके बाद कोई जानकारी यहाँ नहीं बताई गई है कि हाँ आपका सुधार होगा भी या नहीं या किस प्रकार से होगा। पर यहाँ पर दे दिया गया फॉर एनी क्यूरीज प्लीज राइट टू ईमेल, यानी एक ईमेल दे दिया जिससे आप लोग हेल्प मांग सकते हैं हेल्प डेस्क का। यह है, आई होप दोस्तों कि आपको ये वीडियो समझ में आया होगा और आने वाले समय में इसका एक नोटिफिकेशन भी आएगा जिसमें आपका करेक्शन से जुड़ी जानकारी बताएगा। तो GDS में भी आप लोग देखते होंगे कि वैकेंसी निकाल देता है, उसके बाद आपका एप्लीकेशन फॉर्म में करेक्शन डेट निकालता है। तो हो सके आप सभी का दूसरा करेक्शन डेट जारी हो, तो ऐसे में कोई नोटिफिकेशन आता है दोस्त तो मैं आप सभी को सूचित करूंगा वीडियो के माध्यम से। तो ऐसे में आप सभी को हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना है ताकि कोई भी अपडेट आए तो आपको तुरंत मिल सके। तो मिलते हैं अगले वीडियो में किसी नए अपडेट के साथ, तब तक के लिए गुड बाय एंड जय हिंद दोस्तों।